वेलकम क्लास एट, जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स, गन और गन मूल। अब गन और गन मूल होते क्या है, क्यूब और क्यूब रूट होते क्या है, उनकी बात करता हूं। पहले मैं बात करूंगा क्यूब क्या होते हैं। गन एक संख्या का स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, घन होती है। मतलब एक नंबर है उसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 3 बार गुणा किया, जो संख्या प्राप्त होगी उसे क्या बोलते हैं, घन या घन संख्या। क्यूब नंबर्स ऑब्टेंड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स आर नोन एज क्यूब नंबर। क्या बोला है उसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल क्या लिया, एक नंबर लिया मैंने 2, नंबर क्या लिया 2। अब 2 को क्या करना है, 3 बार गुणा करना है, तो क्या आएगा 2 का क्यूब, क्या आएगा 2 का क्यूब 2 की पावर 3, और वो क्या आएगा 8। जब 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 8। इसे क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ 2 2 का घन, और क्या बोलते हैं इसे, घन संख्या। क्या बोलते हैं, घन संख्या, क्यूब नंबर। आई बात समझ में, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपने एग्जांपल लिया 5 का, 5 को क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा 5 का क्यूब मिलेगा। कहने का मतलब 5 का क्यूब बराबर होता है 125, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। आगे बात करूं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण गण होती है। इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज परफेक्ट क्यूब। क्या बोला है, यदि क्या करते हैं, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या आता है, यदि कोई एक अभाज्य संख्या 3 बार आए, क्या है 3 बार आए, कोई प्राइम नंबर उसके फैक्टराइजेशन में 3 बार आए, और 3-3 के क्या आए, पैर में आए, ट्रिपलेट में आए, तो क्या होता है वो एक पूर्ण वर्ग, सॉरी परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लिया जैसे कि आपके पास है 216। अब 216 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। मतलब ये 2 क्या है, 3 बार गुणा हुआ है, और 3 भी क्या है, 3 बार गुणा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है। इसका मतलब क्या होता है, 3 का घन किसके बराबर है, 216 के बराबर है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 700 × 29 729। अब 729 का क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ये हुआ 3-3 के पैर बनाए, सॉरी ट्रिपलेट में क्या लिया, प्राइम नंबर लिया, तो 3 का एक पैर और ये 3 का दूसरा। बात करो इसका क्यूब क्या होगा, तो 3 और ये 3 मिलके 9 बनाते हैं, 9 का क्या होगा, ये क्यूब क्या होगा, 700 × 729 होगा। कहने का मतलब है जो भी आप ट्रिपलेट बनाओ, कोई प्राइम नंबर चूज करो, जैसे कि ये 3 प्राइम नंबर चूज किया, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसके फैक्टर क्या है, 3 बार आए, और इसका भी फैक्टर क्या आया, 3 बार आया, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई बात समझ में। अब बात करता हूं आपको कौन से क्यूब याद रखने हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि 1 से लेके आपको क्या करने हैं, 25 तक स्क्वायर याद करने हैं। उससे ज्यादा याद करो तो भी आपकी मर्जी है, कम याद करो तो भी आपकी मर्जी है, 20 तक तो याद कर ही लेना।
मैं बात करता हूं कि क्यूब कौन कौन से आपको याद करने हैं, एक से लेके दस तक के क्यूब याद कर लो, बाकी के क्यूब निकालना मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से सिखा दूंगा। कैसे करना है, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब, सिक्स का क्यूब, सेवन का क्यूब, एट का क्यूब, नाइन का क्यूब और टेन का क्यूब। अब बात करूं वन का क्यूब वन और टेन का क्यूब 1000, ठीक है, ये दोनों आसानी से याद हो गए आपको। अब टू का क्यूब एट, नाइन, थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, 125, सिक्स का क्यूब 216 और सात का क्यूब होता है 343 और आठ का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। अब आप एक बात देखना, एक से लेके हजार तक, क्या बोला, एक से हजार तक केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नोट करके लिख लेना नोट। एक से हजार तक केवल 10 पूर्ण वर्ग, सॉरी, घन संख्याएं हैं। कहने का मतलब क्या है, ओनली 10 परफेक्ट क्यूब नंबर फ्रॉम 1 to 1000, ओनली 10 परफेक्ट क्यूब नंबर या क्यूब फ्रॉम 1 to 1000। अब एक से लेके हजार तक 10 ही क्या है आपके पास, पूर्ण घन संख्याएं हैं, और वो कौन कौन सी है, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। इसके बाद जो भी आपके घन आएगा या क्यूब आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का होगा। एक और फैक्ट बताता हूं, आपके पास 2 डिजिट के क्यूब है, पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, वो कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। अब 1 डिजिट के क्यूब की बात करूं, परफेक्ट क्यूब की, तो 1 और 8। 3 डिजिट के क्यूब की बात करूं तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं आगे, एक चीज देखनी है, वो क्या है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या क्या है, उसके लिए देखता हूं इधर क्या लिखूंगा, नंबर। इधर क्या लिखे मैंने, नंबर, और इधर लिखे इनके यूनिट डिजिट, किसके लिखे, नंबर्स के, और इधर लिखूंगा मैं यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब्स। क्या होगा, यदि नंबर के पीछे 1 आया तो क्यूब के पीछे भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्यूब के पीछे भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। अब बात करूं 2 की, यदि किसी नंबर के पीछे 2 आया और उसका क्या किया मैंने, क्यूब किया, क्या किया, क्यूब किया, तो क्यूब का यूनिट डिजिट आएगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं 3 की, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और उसका यूनिट डिजिट होता है 7। आगे बात कर लेते हैं 4 की, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी, क्यूब क्या होता है, 64, तो क्या आएगा, 4। आगे बात कर लेता हूं 5 की, तो 5
सिक्स की सिक्स, सेवन के लिए थ्री, एट के लिए टू, नाइन के लिए नाइन और जीरो के लिए जीरो। अब दो ही बातें याद रखनी है और वो याद रखने वाली बातें कौन सी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको याद रखना है ये और ये, बाकी नंबर आपके क्या है सेम। जीरो आता है तो यूनिट डिजिट दोनों के लिए जीरो, वन आता है तो दोनों के लिए वन, फोर आता है तो दोनों के लिए फोर, फाइव आता है तो फाइव, सिक्स आता है तो सिक्स, नाइन आता है तो नाइन, जीरो आता है तो जीरो। बात कर लेते हैं टू एट थ्री सेवन, टू आया तो एट, एट आया तो टू, थ्री आया तो सेवन, सेवन आया तो थ्री। आप क्या करो एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो आपको सारा डेटा याद हो जाएगा। एक के लिए एक, दो के लिए आठ, तीन के लिए सात, चार के लिए चार, पांच के लिए पांच, छह के लिए छह, सात के लिए तीन, आठ के लिए दो, नौ के लिए नौ, जीरो के लिए जीरो। कहने का मतलब मान लो आपके कोई नंबर लिखा हुआ आ गया ऐसा, आपके लिखा हुआ आ गया 343, आपको पता नहीं है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, सॉरी आपको पता नहीं है कि ये किसका क्यूब रूट है, तो आप इसका यूनिट डिजिट देख लो क्या आया थ्री, क्या आया थ्री, तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा सेवन, और ये एक्चुअली सेवन का ही क्या है यूनिट क्यूब है। आगे बात करता हूं कि इसके अकॉर्डिंग अपन क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो हम सबसे लास्ट में सीखेंगे जब आपके एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि बिना कैलकुलेट किए क्यूब रूट या फिर क्यूब कैसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे एक्सरसाइज 7.1 की, तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, Which of the following number are not perfect cubes? क्या बोला है कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं उनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो किससे पता चलेगा, हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे और देखेंगे कि ट्रिपलेट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर के ट्रिपलेट बनाने कहने की बात यह है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 216, तो 216 के मैं क्या कर लेता हूं अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर बनाता हूं तो क्या आएगा 2 का डिवाइड दिया तो 108, फिर 2 का 54, 2 27 और 3 9 3 3 3 1 क्या हुआ आप देखो वापस, जब इसके फैक्टर बनाए तो 2 का डिवाइड किया 216 में तो आया 108, फिर 2 का तो 54, फिर 2 का डिवाइड दिया तो 27, 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का दिया तो 1 आ गया। 1 आते ही आपका क्या हो गया फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है 216 को मैं क्या लिख सकता हूं, 216 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये लो सर, 2 का भी क्या है आपके पास ट्रिपलेट है और 3 का भी क्या है ट्रिपलेट है। हियर ऑल फैक्टर आर इन ट्रिपलेट, क्या लिखेंगे यहां सभी त्रिक में उपस्थित है, जो आपके 3 का समूह होता है, या फिर लिखेंगे यहां सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में उपस्थित है, या फिर यह लिख सकते हो यहां सभी त्रिक के रूप में या त्रिक में उपस्थित हैं। अतः 216 एक पूर्ण घन है।
where all factor are in triplet, क्या लिखेंगे, all factor are in triplet, so या hence 27 नहीं 216 is a perfect cube number. ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया. बात करता हूं नेक्स्ट की, मेथड यही फॉलो करना है. पहले क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है. उसके बाद क्या करना है, क्यूब रूट निकालना, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड करना है. फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद आप देखो कि पहला जो प्राइम नंबर है मान लो 2 आया, ये क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है. आगे क्या आया, 5 आया, तो देखो कि ये 5 क्या है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है कि नहीं है. ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये 5 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. मान लो आपके जो ये फैक्टर आए, मान लो कुछ इस फॉर्म में आते हैं. अब 2 तो क्या है, ट्रिपलेट में है, बट 5 क्या नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, वो क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा. इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं. सेकेंड और थर्ड आपको खुद को करना है होमवर्क में. मैं आपको इस 100 के लिए आंसर क्या होगा वो बताता हूं. ये लो सर, 100 के क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए, तो 2 का डिवाइड दिया 50, फिर 2 का 25, फिर 5 का 5, और फिर 5 का 1. अब क्या आ गया, 100 को मैंने क्या लिखा, 100 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5. ये लो सर, ट्रिपलेट नहीं बने किसी के भी. क्या बोला मैंने, किसी के भी ट्रिपलेट नहीं बने. तो क्या लिखेंगे, हियर आर फैक्टर हैव नो ट्रिपलेट. क्या लिखेंगे, यहां जो गुणनखंड है वह त्रिक के रूप में उपस्थित नहीं है, इसलिए सो क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है. पहले लिखते हैं हिंदी में, यहां गुणनखंड त्रिक के रूप में नहीं है, अतः सो एक पूर्ण घन नहीं है. वेयर ऑल फैक्टर नॉट इन ट्रिपलेट एंड 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर. ये क्या नहीं है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. तो आप देखोगे कि जहां पे भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्रिपलेट नहीं बने, जिस भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बने, उसको क्या कर दोगे, कारण और रीजन में डाल दोगे कि मान लो नंबर आया 5 का, क्या नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और क्या लिख देंगे, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसलिए जो नंबर है वो क्या नहीं है, एक क्यूब नंबर नहीं है, वो क्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है. इसको मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा इसका क्या, फैक्टर करते हैं इसके. 2, 4, 6, 6, 5, 6. 2 का डिवाइड लगाया तो आया 2, 3, 3, 2, 8. फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 1, 1, 6, 6, 4. फिर 2 का डिवाइड लगाया तो आया 5, 8,
थ्री टू, फिर टू का डिवाइड लगाया तो आंसर आएगा आपके पास 2 9 1 6, फिर टू का डिवाइड लगेगा क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, 1 4 5 8, फिर टू का डिवाइड 7 2 7 2 9, यहां तक क्या लगा, टू का डिवाइड लगा। आगे बात कर लेता हूं 7 2 9 में, इधर बात करता हूं 7 2 9 की, इन तीनों की टोटल क्या होगी 18, तो क्या लगेगा 3 का डिवाइड। अब क्या करता हूं 3 का डिवाइड लगाता हूं तो आंसर आएगा 2 4 3, फिर 3 का डिवाइड लगा तो आंसर आएगा 81, फिर 3 का डिवाइड लगा तो 27, 3 का डिवाइड 9, 3 का डिवाइड 3, 3 का डिवाइड 1। फैक्टर क्या बने इसके, फैक्टर क्या बने उसकी बात करता हूं तो फैक्टर बनेंगे 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 and 3 3 into 3 3 3। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 तो कितने बार है 6 बार है और 3 भी क्या है 6 बार है। अब देखते हैं कि ये क्या ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है। 2 को लिया आगे 2 तक, 2 को लिया ये भी ट्रिपलेट में, फिर 3 ये भी ट्रिपलेट में और ये भी क्या है ट्रिपलेट में, तो क्या लिखेंगे यहां सभी गुणनखंड त्रिक के रूप में है। अतः जो आपके नंबर है 4 6 6 4 6 6 5 6, एक पूर्ण घन है। क्या लिखेंगे, हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट हैंस 4 6 6 5 6 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या है ये, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आपको क्या मिला था, स्क्वायर के लिए मिला था। स्क्वायर के लिए क्या क्वेश्चन था, वह संख्या ज्ञात करो जिससे गुणा करने पे परफेक्ट स्क्वायर बने। यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसी संख्या बताओ जिससे गुणा करने पे परफेक्ट क्या बने, क्यूब बने, परफेक्ट घन बने, पूर्ण घन बने। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखो हम क्या करेंगे, वहां पे भी हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर बनाए थे, यहां पे भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, आप देखो ये लो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैंने क्या बनाया, प्राइम फैक्टर बनाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2 4 3। अब देखो 2 4 3 में किसका डिवाइड लगता है, 2 4 3 में अपने पास इन तीनों का जो सम है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्या है, 3 का मल्टीपल है। कैसे, 2 को ऐड किया 4 में तो आया 6, 6 को ऐड किया 3 में तो आएगा 9, और 9 क्या होता है 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है।
तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा 8 1। आगे देखता हूं, फिर 3 का डिवाइड 2 7, फिर 3 का डिवाइड 9, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1। नाउ क्या हो गया, 2 4 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये ट्रिपलेट बना, बट 3 क्या है, ट्रिपलेट में नहीं है। क्या नहीं है, ये जो आपके पास 3 है वो ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा उसकी बात कर लेते हैं। यहां 3 का ट्रिक नहीं है, वेयर 3 इज नॉट, 3 इज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट। क्या नहीं है, 3 क्या नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। तो क्या करेंगे, ट्रिपलेट के लिए क्या वैल्यू कम है, 1 3 की वैल्यू कम है, तो हम क्या कर देंगे, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः संख्या को 3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, therefore number must be multiplied by 3 to make its perfect cube, therefore number क्या आपके 2 4 3 must be must be multiplied by 3 to make its to make its perfect cube। अब मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, उसका नहीं पूछा है और ना ही पूछा है, इसका वापस क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, अपना आंसर ड्रॉप कर देना है, आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्या आपके 2 5 6। आंसर इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर बना लो इसके, प्राइम फैक्टर बनाए तो आया 2 5 6। अब 2 5 6 के प्राइम फैक्टर बनाता हूं, तो 2 का डिवाइड लगाया मैंने, 2 का डिवाइड लगाया तो 1 4 8, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 7 4, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 3 7, सॉरी 2 का डिवाइड लगाया तो 1 2 8, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 6 4, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 3 2, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 16, फिर 2 का तो 8। एट आ गया, आगे क्या करना है, फिर 2 का डिवाइड लगाना है तो 4, फिर 2 का 2, 2 का 1। फैक्टर क्या हो गए आपके पास, 2 5 6 के फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। कितने टाइम्स है, आप गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बार है, 8 बार। क्या है, 2 को गुणा किया है तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 256 फाइंड हुआ। अब 256 प्राप्त हो गया तो क्या लिखेंगे, जो आपके पास एक तो ये ट्रिपलेट मिला और दूसरा क्या मिला, ये ट्रिपलेट मिला, बट ये क्या नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, तो क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा, यहां यहां 2
त्रिक में नहीं है। क्या नहीं है? यहां दो त्रिक में नहीं है, अतः 256 को पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बनाने के लिए दो से गुणा करें, वेयर फैक्टर 2 इज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट एंड क्या लिखेंगे? हैंस जो नंबर है आपका 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक परफेक्ट क्यूब। ये लो सर, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बाकी के जो सेकंड मैंने करवा दिया, इसका थर्ड और फोर्थ क्या करना है आपको ट्राई करना है। मैं आपको सीधा ही कौन सा पार्ट करवाता हूं, इसका फिफ्थ पार्ट करवाता हूं। अब फिफ्थ पार्ट क्या है उसकी बात करते हैं हम। फिफ्थ में 100 के वही मेथड फॉलो करना है। क्या बनाने? फैक्टर बनाने। 100 के फैक्टर 2, 50, 2, 25, 5 क्या आया 1। नाउ 100 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5 क्या लिखेंगे? यहां 2 × 5 त्रिक में नहीं है, अतः 2 और 5 दोनों ही नहीं है। इसके लिए भी 2 कम पड़ रहा है और इसके लिए क्या कम है? 5 कम। तो 5 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो क्या हो गया? 100 का पूर्ण घन बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? वेयर 2 and 5 आर नॉट इन ट्रिपलेट हैंस हंड्रेड मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू मेक परफेक्ट क्यूब। आगे बात समझ में? आगे क्या है? आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यहां पे क्या करना है? जो आपके पास नंबर गिवन है, जो नंबर आपको गिवन है उनके लिए क्या करना है?
एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे मैं क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं तो क्या मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा इन सबका, और क्या कर दूंगा, जो भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा, कहने का मतलब जो भी आपके ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपके फैक्टर आया 3 3 3 3, ये तो ट्रिपलेट बना लिया, और ये दोनों क्या नहीं बना रहे, ट्रिपलेट नहीं बना रहे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब 9 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनको हटाऊंगा तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं इनको हटा देते हैं। हटाने का मतलब डिवाइड करना हुआ तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला क्या है, 81 के फैक्टर बनाओ। ये लो सर 81 के फैक्टर बनाए, तो 3 का डिवाइड किया तो 27, 3 का डिवाइड किया तो 9, 3 का डिवाइड किया तो 3, 3 का डिवाइड किया तो 1। अब इसके फैक्टर क्या है, 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये तो क्या बना लिया, ट्रिपलेट बना लिया, सिंगल वैल्यू बची वो भी 3 की। तो क्या लिखेंगे, वही मेथड वही लिखना है, जहां पे हमने लिखा गुणा वहां पे करना है भाग, जहां पे लिखा मल्टीप्लाई वहां पे क्या लिखना है, डिवाइड लिखना है। तो क्या लिखूंगा, एक बार आप देखो ध्यान से, यहां 3 त्रिक में नहीं है, क्या नहीं है, जो 3 है, जो 3 है वो ट्रिपलेट में नहीं है, अतः 81 का पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का, ये सिंगल वैल्यू क्या बची, 3 बची, तो 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग करेंगे। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, इंग्लिश वालों के लिए लिखवा देता हूं, वेयर 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट एंड एटी वन मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक परफेक्ट, टू मेक परफेक्ट क्यूब, सॉरी स्क्वायर ही याद रहता है, क्या लिखेंगे क्यूब। इसी फॉर्मेट में चलना है, जहां पे आपके पिछले क्वेश्चन में गुणा आया था वहां पे आपको क्या लिखना है, भाग लिखना है, डिवाइड लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला है 135, जो आपके बीच में सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, स्किप हो गया, वो आपका क्या हो गया, होमवर्क, आपको खुद को ट्राई करना है। जब तक आप मैथ में खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी कैसा भी टीचर आके एक्सप्लेन कर दे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक आप खुद क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करोगे, आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। ये है इसके क्या बनाने, फैक्टर बनाने, ये लो सर फैक्टर बनाए, 135 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। अब 135 के टुकड़े करने के लिए आप देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसमें डिवाइड होगा, भाई पीछे क्या आ गया, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, तो 2 का ऑप्शन कट हो गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 के लिए इन सब का क्या करो, टोटल करो, इन डिजिट का क्या करो, टोटल करो, इन डिजिट का टोटल आता है 9, इसलिए मैं क्या लगा देता हूं, 3 का डिवाइड लगा देता हूं, 3 का डिवाइड लगाया तो 4 एंड 5 मिला, फिर 3 का डिवाइड किया तो आंसर आया अपने पास 15,
फिर 3 का डिवाइड किया तो आंसर आया 5, फिर 5 का डिवाइड किया तो आंसर आया 1। क्या हुआ 1 3 5 इज इक्वल टू क्या आया अपने पास 3 मल्टीप्लाई 5 सॉरी। तो क्या दिख रहा है हमें, हमें यह दिख रहा है कि जो आपके 5 क्या है वो ट्रिपलेट में नहीं है। यहां 5 ट्रिक में नहीं है। वेयर 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, हेंस या अतः अतः क्या लिखेंगे 135 को 135 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हेंस 135 must be divided by 5 to make its perfect cube। नेक्स्ट है आपका 704 को सॉल्व करने के लिए आप देखो क्या करना पड़ेगा, मेथड वही है, मेथड है आपका, इसका हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन किया तो क्या हुआ वो देखते हैं। ये लो सर, फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको ऐसे लिखा, अब ऐसे लिखा तो क्या आया, सबसे पहले पीछे इवन डिजिट है तो क्या करूंगा 2 का डिवाइड करूंगा, 2 का डिवाइड लगा 35 टू टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड लगा 176, फिर 2 का डिवाइड लगा 88, फिर 2 का 44, 2 का 22 और 22 के बाद फिर 2 का 11 और 11 के बाद 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 704 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ये एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, 11 क्या है सिंगल फॉर्म में, ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए इसका क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे क्या लिखेंगे, यहां यहां 11 त्रिक में नहीं है, अतः 704 को पूर्ण घन बनाने के लिए पूर्ण घन बनाने के लिए 11 का भाग करेंगे, 11 का भाग करेंगे क्या लिखेंगे वेयर 11 is not in ट्रिपलेट, hence क्या लिखेंगे, hence 704
must be divided by किससे करेंगे 11 to make its perfect cube. आई बात समझ में? आगे क्या करना है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षक प्लास्टिशियन का एक भाग, सॉरी परीक्षित प्लास्टिशियन का एक भाग घनाभ परीक्षित प्लास्टिशियन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है. एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? क्या करना है? जो ये आपके पास ये नंबर है, इसका क्या निकाल लेना है? घन बनाना है. क्या बनाना है? घन बनाना है. कहने का मतलब 5 आया तो 3 टाइम्स आना चाहिए, 2 आया तो भी क्या आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए. ये इसने डायमेंशन ली 5 और 5, ठीक है. अब इधर भी कितने क्यूब रखेगा, 5 और 5. ये लो सर, इसने इधर क्या रखे, ये क्यूब रखे. तो क्या हो गया, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर. तीनों डायमेंशन, तीनों विमाएं, जब 5, 2 और 5 विमा के घन या घनाभ वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर रखेगा तो क्या हो जाएगा, उसके क्यूब बन जाएंगे. सॉरी, क्यूब बन जाएगा. कब बनेगा, जब ये तीनों डायमेंशन क्या बनाए, एक क्यूब वैल्यू बनाए. क्या बनाए, एक क्यूब वैल्यू बनाए. क्यूब वैल्यू बनाने के लिए इसमें कमी किस चीज की है, 5 क्या है, ट्रिपलेट में नहीं है और 2 भी क्या है, ट्रिपलेट में नहीं है. तो कहने का मतलब इनके क्या करने है, ट्रिपलेट बनाने. अब ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करेंगे, गिवन नंबर 5 × 2 × 5 क्या है, गिवन नंबर 5 × 2 × 5. अब क्या है, ये घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है. इनको रख रख के, ये जो आपके क्यूबॉइड है इनको रख के क्या बनाना है, एक क्यूब बनाना है. मान लो एक क्यूबॉइड रखा तो क्या बन गया, क्यूब बन गया, ऐसा होगा नहीं. और क्या बनाने, इसके क्यूब बनाने के लिए क्या बनाओ, इसका, इस नंबर का क्या बनाओ, क्यूब बनाओ. फैक्टर है तो क्यूब बनाने के लिए, सो वी नीड, सो वी नीड 20 मेक ए क्यूब. अब ये कैसे हुआ, इसका क्यूब बनाना है तो क्या किया, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2. अब देखना ध्यान से क्या हुआ, ये 5 और ये 2 आपके पास पहले से गिवन है, ये डायमेंशन गिवन है. और इसके साथ मैं क्या कर दूं, इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 20 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बनाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाता है. क्या बनाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाता है. तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आई, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 20. तो 20 क्यूबॉइड ऐसे होंगे जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद क्या बनेगा, अपना घन बनेगा, क्यूब बनेगा. नीड, वी नीड 20 क्यूबॉइड टू मेक ए क्यूब. चूंकि, या फिर दिया है 2, 5 × 2 × 5. अब क्या करेंगे, अतः घन बनाने के लिए बीस घनाभ की आवश्यकता होगी.
कितने क्यूबॉइड चाहिए? 20 क्यूबॉइड ऐसे चाहिए जिनको रखने के बाद क्या बन जाएगा, एक अपने पास क्यूब बन जाएगा, वो भी किस डायमेंशन के होंगे, क्यूबॉइड सारे 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सॉरी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।